फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं राजमा के हेल्दी कबाब, जो बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस है और इजी भी है। बहुत ही इजी है इसे बनाना। बस आपको इसे बनाने के लिए 1 कप राजमा चाहिए। इसको हम पानी डाल के ओवरनाइट सोक कर देते हैं, नहीं तो आप 2 से 3 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं। पानी हमने डाला सफिशियंट, पानी ज़्यादा एक्सेस नहीं डालना है। 1 कप राजमा में 1.5 कप पानी आप डाल सकते हैं। थोड़ा हमने डाला सॉल्ट, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसमें 2 या 3 सीटी देने के बाद आप इस तरीके से चेक कर लीजिए, राजमा अच्छे से कुक हो चुका है। अगर नहीं है तो दोबारा आप सीटी दे सकते हैं एक और। अब ठंडा कर लेते हैं हम राजमा को, और उसके बाद मिक्सी में आप इस तरीके से पीस लीजिए बिना पानी ऐड किए। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं इस मिक्सचर को जो हमने राजमा का पीसा था। उसके बाद आपको क्या करना है, कई और चीज़ें हैं इसमें। अब हम सीजनिंग ऊपर से नहीं करेंगे, हम कुछ स्पेशल सीजनिंग बनाएंगे इसको करने के लिए। बस एक मिक्सी लीजिए, कुछ जो भी ड्राई नट्स आप वो ले सकते हैं इसमें, जैसे मैंने बादाम काजू लिया है। हरी मिर्च डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने यहाँ डाला हरा धनिया, पुदीना भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाला है और उसको पेस्ट बन जाता है। पेस्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस राजमा के मिक्सचर में हम वो पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने बनाया था। तो हम ऊपर से जो सीजनिंग होती है ना, लाल मिर्च, हल्दी वल्दी, ये सब कुछ नहीं करने वाले। तो इससे अच्छा स्पाइसी टेस्ट भी आ जाएगा, प्लस कुछ डिफरेंट टेस्ट आएगा इसमें। अब हम चॉप अनियन डाल देते हैं ऊपर से। अगर हम मिक्सी में डालते तो क्या होता है, ये पेस्ट बन जाता। तो हमें पेस्ट नहीं चाहिए था, चॉप चाहिए था। ये भुना हुआ जीरा हमने डाला इसमें। उसके बाद आप मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, तो ताकि जो भी ये सामान है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, जो भी हमने इसमें ऐड किया है। अब क्या होगा, जब आपने ये हरी मिर्च का पेस्ट जैसा डाला था तो काफ़ी लिक्विड ही हो गया है, मॉइस्चर काफ़ी बन गया है। तो हम सूजी ऊपर से डाल देते हैं। मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने यूज़ किया था चावल का आटा। तो इसी तरीके की और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, इवन आप मैदा, बेसन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो ये जो टिक्की का मसाला बनेगा, जो कबाब का मसाला, थोड़ा सा हार्ड बने और ये टूटे नहीं। तो हमने ये इसमें डाल दिया है। अब मिक्स कर लेंगे हम धीरे धीरे। मिक्स करने के बाद आपको चेक करते रहना है। अगर मिक्सचर आपका ढीला रहेगा तो क्या होगा, जब आप इसे सॉटे करेंगे तो काफ़ी लूज़ होगा और ये टूटेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं इस तरीके से। अभी भी थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, तो थोड़ा सा और सूजी ऐड कर देंगे हम। सूजी ऐड करने के बाद दोबारा आप मिक्स कर लीजिए और सॉल्ट आप चेक करते रहेंगे। अगर आपको लगेगा कि सॉल्ट थोड़ा सा कम हो गया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हमने बॉइलिंग टाइम पर डाला था। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि सॉल्ट कम हो जाता है। टेस्ट कर लीजिए, कम लग रही है, कुछ स्पाइसी कम लग रहा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारा बिल्कुल मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है, देखिए कुछ इस तरीके से। आप इसको इस तरीके से मुट्ठी में करके देख सकते हैं। अगर ये बिल्कुल मुट्ठी में आ रहा है तो उसका मतलब बिल्कुल अच्छे से ये हो चुका है। देखिए हो रहा है ना, ट्राई इस तरीके से आप करके देख रहे हैं, देखिए। और इस तरीके से टिक्की की शेप आप देख के देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आटा हमारा तैयार हो चुका है आटे जैसा। तो हम इसको कवर कर देते हैं 20 मिनट्स के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स आप चेक कर लीजिए, काफ़ी हार्ड हो चुका है और अच्छा सा मॉइस्चर जो है पूरा सूजी में एब्जॉर्ब हो चुका है। तो देखिए टिक्की की शेप ईजिली बन जाती है, देखिए कितनी आसानी से बन चुका है। तो इसी तरीके से आप जितना भी मिक्सचर है उसे आप टिक्की की शेप दीजिए, या कबाब को, या सीख में भी आप डाल सकते हैं। इवन आप इस मसाले में, ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसमें स्मोकी टेस्ट भी दे सकते हैं, स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, स्मोक आपको कोयले को अच्छे से सुलगाना है गैस पे और सेंटर पे रख दीजिए इस बाउल में। तो क्या होगा, इसमें स्मोकी फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। बट मैं सिंपल सा बना रही हूँ आपके लिए। तो देखिए टिक्कियाँ सारी तैयार थी। फ्राई पैन हमने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, बहुत ही मिनिमम ऑयल के साथ बनेगा, क्योंकि यह बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं। क्योंकि डाइजेशन का चैनल है तो हेल्दी तो रहेगा ही, बहुत ही लो फैट कुकिंग है। और देखिए अच्छे से हमने सिर्फ ग्रीस किया है, सिर्फ ऑयल को, टिक्कियों को हमने डाल दिया है। अब हम ऊपर से हल्का हल्का हम ऑयल लगाएंगे। अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इवन ये आप डायबिटिक को दे सकते हैं, ये टिक्की आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन में हाई है और बहुत ही हेल्दी भी है ये डायबिटिक के लिए। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है उसे भी आप दे सकते हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटिक के लिए, हर किसी के लिए अच्छा है। इवन ये प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छा है, तो आप ले सकते हैं उस टाइम पे भी। तो देखिए हमारी टिक्का भी तैयार हो चुकी है। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है एंड डिफरेंट है। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके बताइए ये टिक्की कैसी बनी है। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।